अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है खड़े मसाले का मटन। तो प्रेशर कुकर में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब ऑयल। तेल जब हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें हम साबुत मसाले डालेंगे। साबुत मसालों में तेजपत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, वाद्यान फूल, जावित्री और बड़ी इलायची ली है। मसाले जब हल्के से तड़क जाए तो इसमें हम डालेंगे 4 से 5 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज, कुटा हुआ लहसुन और 1 टेबल स्पून कुटा हुआ अदरक। 1 से 2 मिनट से फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद में अदरक लहसुन को इसमें 700 ग्राम के करीब मटन को हमने बहुत अच्छे से भून लिया है। तो यहाँ पर 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया और 1 टेबल स्पून भुनी कुटी सौंफ और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डाल दें। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच के करीब ये नमक डाल दिया और 1 टेबल स्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, 3 मीडियम साइज के टमाटर, 1 से 2 हरी मिर्च। फ्लेम को यहाँ फुल पर रखेंगे और ये सारे मसाले को थोड़ी देर भून लेंगे। तो सारे मसाले और मटन को हमने थोड़ी देर भून लिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो इसमें 1/2 गिलास के करीब पानी डालना है। आप इस हिसाब से पानी डालें कि आपका मटन जो है वो अच्छे से गल जाए। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखकर इसमें हम 4 से 5 प्रेशर ले लेंगे। उसके बाद हम गैस को मंदा करेंगे और 4 से 5 मिनट इसे और पकने देंगे। फिर गैस को हम बंद कर देंगे और फिर इसके प्रेशर में ही इसे हम ठंडा होने देंगे। तो ये मटन अच्छी तरह गल गया है, अब इसे हम भून लेंगे। तो हम इसे दूसरे बर्तन में डालेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी। तो 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी ले ली है, ये डाल देंगे। अच्छा, पानी हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 कप के करीब पानी डालेंगे। बस इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रहे उस हिसाब से हम इसमें पानी डाल देंगे और इसे करेंगे मिक्स। थोड़ी देर पकाने के बाद में गैस को हमने बंद कर दिया था और ये खड़े मसाले का मटन बनकर तैयार है। इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। लीजिए, खड़े मसाले का मटन बनकर तैयार है। बहुत टेस्टी ये मटन बना है। खड़े मसाले का मटन बनकर तैयार है। आप इसे रोटी चावल के साथ खाएं, ये बहुत मज़े का लगता है। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।